हेलो गाइस, राम राम सभी भाइयों को स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप वैसे थंबनेल देखकर समझ गए होंगे हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। भाई थंबनेल में मैंने पूरा कर दिया है कि किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं भाई कि हम करने वाले हैं आज इंश्योरेंस के बारे में बात। अपनी व्हीकल का कौन सा इंश्योरेंस कब हमें बेनिफिट देगा उसके बारे में सारी बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड NSB जो नो क्लेम बोनस होता है उसके बारे में भी आज इस वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें बताने वाला हूँ, क्योंकि जो जो पॉइंट में लेकर बैठा हुआ हूँ वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ से। पहले बात कर लेते हैं भाई सीधा सीधा जीरो डैप इंश्योरेंस की, जो कंपनी से फर्स्ट टाइम मिलता है आपको जब आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं। तो जीरो डैप इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं आपको जब आप कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं, तो जीरो डैप इंश्योरेंस मिलता है 1 ईयर का। उसमें 1 ईयर के इंश्योरेंस में आप 1 ईयर इंश्योरेंस में जैसे आपकी गाड़ी की वैल्यू, आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो जो वैल्यू आपकी गाड़ी की है उतना क्लेम आपको फुल मिलता है। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास हमारी वैगनार गाड़ी है, वैगनार गाड़ी की जो हमारी वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख तक अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी डैमेज जाता है तो उतना आपको फुल क्लेम मिलता है भाई जीरो डैप इंश्योरेंस में। जीरो डैप इंश्योरेंस जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है 1 साल के लिए जीरो डैप, एंड 2 साल के लिए हमें प्रोवाइड करती है भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो इस तरीके का हमें कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस जो हमें प्रोवाइड 2 साल का थर्ड पार्टी जो होता है उसमें आपको बेनिफिट कम मिलेगा। जब आप सेकेंड ईयर में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे कि आप इंश्योरेंस करवाने जाएंगे, आपको थर्ड पार्टी का कोई भी पैसा उसमें पे नहीं करना होता, आप जाएंगे उसी इंश्योरेंस के थ्रू आपका फर्स्ट यानी जीरो डैप का इंश्योरेंस बना दिया जाएगा। जो आपका थर्ड पार्टी चल रहा होगा ना, जैसे आपको फर्स्ट पार्टी तो आपका 1 साल का खत्म होने वाला होगा और आप थर्ड पार्टी बनवाने जाएंगे, उसका आपको पूरा वो थर्ड पार्टी का पेमेंट नहीं लेगा, केवल जीरो डैप के बनाने के पैसे लेगा ऑन डैमेज के। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी आप ऐसे ही 2 साल करवाएंगे, लेकिन भाई उसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर आप इस इंश्योरेंस को डेट टू डेट करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके व्हीकल लिया है आपने 1 जनवरी को, तो आपका इंश्योरेंस जो खत्म होगा वो 31 दिसंबर में खत्म होगा। आप उसको 31 दिसंबर में रिन्यूअल करवा लें तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है। एक और बात है जो आपको इसमें बेनिफिट देती है, वो भी मैं एंड तक वीडियो में बताऊंगा, आप एंड तक इस वीडियो को पूरी देखिएगा, फिर आप 2 साल ऐसे करवा लें। इसका तो हो गया हमें पूरा पूरा बेनिफिट क्या, अगर हमारे 5 लाख की वैल्यू होता है हमें 5 लाख तक की वैल्यू का पूरा क्लेम मिलेगा। अब आते हैं हम अपने भाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पे। हमें फर्स्ट पार्टी में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता, वो होता है कॉम्प्रोमेसिव, जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमेसिव इंश्योरेंस, उसके बारे में बात करते हैं भाई। कॉम्प्रोमेसिव जो हमारा फर्स्ट पार्टी होता है ना, ये इसमें एक्चुअल में जो हमारी 5 लाख की वैल्यू आई हुई है, मान लीजिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, वैगनर गाड़ी है 5 लाख की वैल्यू है, लेकिन हमें इसमें वो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में हमें पूरी की पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें कुछ शर्तें होती हैं कंपनी की, जिसमें आपको वो शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो क्या है वो चीज़ें, आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो भाई लगभग लोहे पे जो आपकी गाड़ी में लोहे के पार्ट होते हैं उन पे 80% मिलता है, एंड प्लास्टिक के पार्टों पे 40 या 60% के समथिंग में मिलता है। तो कुछ ऐसे मिलता है आपको फर्स्ट पार्टी में जो आपकी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होते हैं, और इसमें थर्ड पार्टी आपको इंक्लूड करके दिया जाता है। अगर थर्ड पार्टी आपको किसी से भी आपकी गाड़ी टकराती है तो आपको सामने वाली पार्टी को भी इंश्योरेंस कवर्ड होगा। तो इस तरीके का कुछ फर्स्ट पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी में आप जीरो टैप में भी सामने वाली पार्टी को भी मिलता है, लेकिन फर्स्ट पार्टी में जब आप फर्स्ट पार्टी करवाने जाएंगे, क्योंकि वो तो कंपनी से आया, लेकिन फर्स्ट पार्टी जब आप करवाने जाएंगे भाई, फर्स्ट पार्टी में आपको थर्ड पार्टी इंक्लूड ही मिलेगा हमेशा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई हमें केवल फर्स्ट पार्टी करवाना है, थर्ड पार्टी नहीं करवाना, लेकिन आप कोई भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं चाहे वो जीरो टैप है चाहे वो फर्स्ट पार्टी है, उसमें भाई थर्ड पार्टी हमेशा इंक्लूड रहेगा। थर्ड पार्टी को भी मैंडेटरी है एक तरीके से कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही लेना होगा। तो इसीलिए जो ये इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी, ये आपका सब में काम करेगा, फर्स्ट पार्टी में भी एंड थर्ड पार्टी में भी। मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनी क्लेम दे सके, आपके लिए हो ना हो
क्योंकि ये कुछ गवर्नमेंट का रूल है जिसमें ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको रखना ही रखना है। आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले ना ले, लेकिन आपको थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस क्लेम देना होगा। तो ये कुछ है। अब आते हैं भाई सीधा थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी में आपको क्या मिलता है, एक नॉर्मल सा अमाउंट आपको पे करके, यानी कि अगर मान लीजिए वैगनार है 998 cc में है, तो उसमें प्राइवेट नंबर, मैं प्राइवेट नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल नंबर के बारे में ये बात नहीं हुई है मेरी। मैं जो प्राइस बताने जा रहा हूँ वो प्राइवेट नंबर के बताने जा रहा हूँ। प्राइवेट नंबर का अगर वैगनार है 998 cc में, ठीक है, 998 cc में अगर वो है, तो उसका लगभग 2500 के समथिंग उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है भाई, इसमें कोई क्लेम नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी में कवर्ड होता है भाई पीए कवर। पीए कवर क्या होता है, पीए कवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, अगर वो होता है पर्सनल, जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी है, मेरे नाम है, तो अगर उस गाड़ी को मैं खुद चला रहा हूँ, अगर मेरा हादसे में कुछ मुझे हो जाता है, तो मेरे घर में जो भी मैं नॉमनी है मेरे उस लाइफ उसमें इंश्योरेंस में, उनको 15 लाख का कवर मिलेगा। तो ये होता है भाई कवर, पीए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, पीए कवर का ये मतलब होता है। आप ये कवर ले सकते हैं, लेकिन उसका आपको लगभग 375 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। ये 2500 वाले में नहीं होता, इसमें पे करने होते हैं भाई और। चलिए, लेकिन अगर आप ये कवर ले लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं भाई। आज के आप रोड पे देख सकते हैं कितने सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बीच में आपको इसका बेनिफिट काफ़ी सारे मिल जाएंगे देखने के लिए। और इसी के बीच में भाई एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जैसे हमने अपनी गाड़ी नई परचेज की है, NSB, नो क्लेम बोनस जिसे हम कहते हैं, नो क्लेम बोनस, तो नो क्लेम बोनस का क्या बेनिफिट होता है, कब बेनिफिट ले सकते हैं, कब बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आज मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे नॉलेज में है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नो क्लेम बोनस भाई, अगर आप गाड़ी नई परचेज कर रहे हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हैं और अपने नाम उसको ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो भी आपका वो 0 ही होगा, ना कि वो पिछले वाले का किसी का नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा। और नई गाड़ी में तो कोई मतलब ही नहीं होता। और ये चलता किस तरीके से भाई, नो क्लेम बोनस, मान लीजिए आपने कोई मेरी तरह सेकंड हैंड कार परचेज की है और उसको आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया है, जब आप उसका इंश्योरेंस बनवाने जाएंगे वो आपको 0% पहली साल मिलेगा। पहली साल 0% लेने के बाद में आप उसको, अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है उस गाड़ी पर, तो नेक्स्ट ईयर उस आपका 20% हो जाएगा। यानी कुछ पैसे जो होते हैं, मान लीजिए अगर मैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी ही इंश्योरेंस करवा रहा हूँ कंटिन्यू फर्स्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ नो क्लेम बोनस, ये कौन से इंश्योरेंस में काम करता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। ये हमेशा नो क्लेम बोनस या तो 0 टाइप में काम करता है, या करता है भाई फर्स्ट पार्टी में। थर्ड पार्टी के लिए नो क्लेम बोनस का कोई मैटर नहीं होता, उसमें नो क्लेम बोनस नहीं होता है। नो क्लेम बोनस हमेशा थर्ड पार्टी में 0 ही होता है। मेरे बहुत सारे भाई अगर ये सोचें कि हम थर्ड पार्टी में भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, थर्ड पार्टी में वो 0 ही होता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं आगे कि हाँ, हम बात कर रहे थे ये फर्स्ट पार्टी और 0 डैप, उसके 0 डैप इंश्योरेंस में ही काम आता है। तो 0 डैप और फर्स्ट पार्टी में कैसे काम आता है भाई, मान लीजिए आपकी अमाउंट है 7000 रुपये, तो उसमें से कम 1500-1600 रुपये आपके, अगर आपका 20% 30% इस तरीके से चलता चला जाएगा ना, जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे गाड़ी पे, जब तक आप क्लेम नहीं लेते हैं गाड़ी पे, और आपका ये क्लेम हर साल में आपको कि फर्स्ट पार्टी और 0 टैप में ये इंक्लूड होता है। तो जब तक आप अपनी गाड़ी पे कोई क्लेम ले लेते हैं, ये इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। पहले साल जो आपका होता है भाई वो होता है आपका 0, फिर 20, 20 के बाद 30 आता है, 30 के बाद में फिर अपना सीधा 40% हो जाता है, 40 के बाद में 45% एंड फिर 50%। इस तरीके से आपका नो क्लेम बोनस 5-6 साल में 50% पहुंच जाता है, सॉरी 50% आपका नो क्लेम बोनस हो जाता है। 50% नो क्लेम बोनस अगर आपने 5 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है, तो 5 से 6 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपका ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आप कोई क्लेम लेते हैं, इसमें एक और भाई बहुत बड़ी समस्या आती है आज की डेट में, कुछ हमारे भाई जो है ना एक गड़बड़ करवा लेते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम आती है अपना क्लेम लेने में। क्यों आती है उसके बारे में भी हम आपको क्लियर कर देते भाई।
प्रॉब्लम इसलिए आती है, मान लीजिए मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी को एक बार इंश्योरेंस करवा लिया, मेरा चल रहा था भाई 45 नो क्लेम बोनस। उसके बाद में मैंने वो बताया नहीं आगे जिस कंपनी से मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। मान लीजिए मेरा पहला जो इंश्योरेंस है वो टाटा का है और दूसरा मैं करवा रहा हूँ भाई गो डेजिट से, लेकिन मैंने कंपनी को नहीं बताया है कि मैं अपना इंश्योरेंस गो डेजिट में करवाने के बाद कंपनी को मैंने नहीं बताया कि मैंने पहले क्लेम ले लिया है और नो क्लेम बोनस मेरा 45 से बढ़कर 50 हो गया जो उन्होंने किया। लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ी समस्या का क्या फेस करनी होगी भाई, हमारी सबसे बड़ी जो समस्या होगी इसमें ये होगी कि अगर हम अगले साल में जब हम गो डेजिट का वो चला रहे हैं इंश्योरेंस, कोई भी क्लेम लेने जाते हैं उसमें भाई बहुत बड़ा समस्या आ जाएगी, कंपनी हमारा क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है, कंपनी को पूरा पूरा हक है क्योंकि हमने कंपनी से झूठ बोला है नो क्लेम बोनस को लेने के लिए, हमने कंपनी को झूठ बोला कि हमने नो क्लेम बोनस नहीं लिया। इस चक्कर में हमारा अगर कंपनी चाहे तो हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से भाई क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है। वरना तो अगर आप नॉर्मली सारी चीज़ को सही तरीके से, मान लीजिए आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट होने के बाद में आपने क्लेम ले लिया, क्लेम लेने के बाद में अगली साल जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं आपका वो नो क्लेम बोनस जो है वो जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा से शुरू होगा। अगर आप वो क्लेम ले लेते हैं तो जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू होकर लास्ट तक जाएगा, फिर से वही तरीके चलता रहेगा। लेकिन आप इसमें ही अगर ये छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो आप इस गलती को ना करें कभी भी। आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपना पूरा क्लियर करें कि हमारे साथ ये हुआ था, इस तरीके से हमने क्लेम ले लिया है या नहीं लिया है, उसमें ऑप्शन आता है तो उसको जरूर फिल करें, वो मैंडेटरी होता है कि आप उसे अगर फिल करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही है, तो ये आप कुछ बेनिफिट होते हैं। और अगर किसी भाई का किसी इंश्योरेंस को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कमेंट में करेंगे मैं उनको उस चीज़ का जवाब भी दूंगा। कॉमर्शियल गाड़ी हो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, कुछ जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बताइए भाई, मैं उसका सबका आंसर करूंगा। अगर छोटी छोटी सी बातें हैं कुछ इसमें, नो क्लेम बोनस मान लीजिए आप यूज़ ही नहीं किया आपने, ये और देख लेते हैं, अगर आपने नो क्लेम बोनस यूज़ नहीं किया है और आप अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक गाड़ी, आपने किसी ने भी नई गाड़ी एक परचेज की, परचेज करने के बाद में आपने 6 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया और 6 साल बाद अपनी गाड़ी को आप बेच रहे हैं, तो भाई जिस कंपनी से आपका लास्ट इंश्योरेंस चल रहा है आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उस सर्टिफिकेट का आपको बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है भाई। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, इसके आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। बहुत सारे भाई हमारी ये गलती कर देते हैं कि नो क्लेम बोनस को छोड़ देते हैं एंड कोई क्लेम उसको सोचते ही नहीं है, लेकिन इसका आपको अगली गाड़ी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इसमें, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। अगर आप मान लीजिए आपका किसी भी कंपनी से, टाटा से, रिलायंस से, किसी से भी चल रहा है, आप उस कंपनी से एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि हमने ये गाड़ी पर सेल कर दी है, इसका जो नो क्लेम बोनस है यानी NSB जो है, आप एक सर्टिफिकेट बना दीजिए, मुझे न्यू गाड़ी एक परचेज करनी है। तो मान लीजिए अगर आप उस न्यू गाड़ी को परचेज करने जा रहे हैं और वहाँ पे वो सर्टिफिकेट देंगे तो आपके इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में आपको और बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। इंश्योरेंस में तो बेनिफिट अगर आप वो सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 101%, 50% का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको 50% नो क्लेम बोनस चल रहा है तो देख लीजिए भाई, ये बेनिफिट होते हैं थोड़े से जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे से पॉइंटों को याद रखेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी के किसी भी इंश्योरेंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली 1000 क्या कहते हैं 1000 CC का जो इंश्योरेंस होता है थर्ड पार्टी का भाई, वो 2400 से 2500 के बीच होता है, और 1000 CC से 1500 CC के बीच में जो इंश्योरेंस होता है वो 4100 होता है। लेकिन अगर 1500 CC से आपकी गाड़ी ऊपर है तो उसका डायरेक्ट इंश्योरेंस जो जाता है थर्ड पार्टी भी भाई वो 9500 रुपये करीब पहुंच जाता है। तो भाई अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैंने आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझा दिया है सारी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भाई कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमारा ये डाउट है, मैं उस आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए
आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं इसी के साथ किसी और अच्छी सी वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम।